नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मटन कोरमा की रेसिपी, जिसे आप एकदम ढाबे वाले स्टाइल में रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, मटन कोरमा सुन के नाम ऐसा लगता है कि जैसे ये काफ़ी झंझटी रेसिपी है, लेकिन यकीन मानिए आप अपने इसे घर में बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़के में लिया है तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जीरा और जावित्री, यानी कि कुछ खड़े गर्म मसाले आपको चाहिए तड़के के लिए। फिर 500 ग्राम मैंने प्याज लच्छे वाले स्टाइल में कट कर लिया है और चिरौंजी और काजू को मैंने पहले से ही भिगो लिया था। इसका 4 चम्मच हमें पेस्ट रेडी करना है और अदरक लहसुन का भी पेस्ट हमें 4 चम्मच रेडी करना है। फिर सरसों का ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसे गर्म करना है अच्छे से और प्याज को फ्राई करना है, यानी कि गोल्डन फ्राई करना है आपको, गोल्डन ब्राउन करना है। और जब ये थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो इसे हम लोगों को ऑयल से बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से, और प्लेट पे आप टिश्यू पेपर ज़रूर रख लें ताकि ऑयल टिश्यू पेपर में चला जाए, इससे आपका प्याज एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। फिर एक हांडी लिया है मैंने और जो ऑयल बचा हुआ था, वो प्याज वाला जो ऑयल था वो मैंने हांडी में डाल दिया है। अगर आपका ऑयल नहीं बचा है तो आप दूसरा ऑयल ले सकते हैं। तड़का मैंने ऑयल में डाल दिया है। फिर यहाँ पर मैंने 700 ग्राम मटन लिया है विद बोन, और तड़के के बाद इस मटन को आप हांडी में डाल दें। फिर यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये सब मैंने 1-1 चम्मच मसाले ले लिए हैं और मटन में हम लोग इसे डाल देंगे। फिर इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच रेडी जो हमने किया था वो डाल देंगे, और काजू और चिरौंजी का जो पेस्ट हमने भिगो के रेडी किया था 4 चम्मच, वो भी हम लोग इसी समय ऐड कर देंगे। इस टाइम पे आपको जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। तो ये देखिए, ये पेस्ट और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अभी से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने इसे ढक दिया है, कम से कम इसे मैंने 20 मिनट के लिए ढक दिया है। 20 मिनट के बाद ये सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल गए हैं, और जो हम लोग ने प्याज को ब्राउन किया था उसे मैंने पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में, और थोड़ा जो प्याज मैंने क्रिस्पी वाला था वो बचा लिया था। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी मिला दिया है, जो मीट मसाला है, और प्याज को पेस्ट बना के डाल दिया, और आधा कटोरी दही, यानी कि जो प्याज था उसे आप पेस्ट बना के यहाँ पे डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज बचा भी लेंगे लास्ट में डालने के लिए। और गरम मसाला आपको मिलाना है जो मीट मसाला होता है, और फिर उसके बाद आधा कटोरी दही, दही आपको बिना फेटी हुई डालनी है। ये सभी चीज़ मिक्स करने के बाद फिर से हम लोग ढक्कन लगा देंगे अगले 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, ऑयल बहुत अच्छे से चारों तरफ से छूट चुका है और मटन भी लगभग 80% गल चुका है। तो जो ये प्याज मैंने बचाया था ये मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है, और फिर इसके बाद अदरक के इस तरह से स्लाइस मैंने किए हैं वो डाल दिया है। इसे थोड़ा ही डालिए आपने तो आपका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा मटन का। और हरी मिर्च को स्लिट करके डाल दिया है, और हरी धनिया मैंने डाल दिया है ऊपर से। इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे हम लोग 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। और लास्ट में आप देसी घी ज़रूर डालना ना भूलें, क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत अच्छा, मतलब फ़र्क आ जाता है और एकदम चेंज हो जाता है, बहुत ही रिच टेस्ट आता है। और लास्ट जब आप सर्व करें उसके पहले आप केवड़ा वाटर ज़रूर डालें, ये बहुत ही ज़रूरी है मटन कोरमा में। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे घर में किसी को भी केवड़ा वाटर का टेस्ट नहीं पसंद है, लेकिन आप अपने घर में ज़रूर डालें। तो ये देखिए, हम लोग का मटन कोरमा रेडी है। और दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसे लगी, अपना फीडबैक, अपना रिव्यूज़ मेरे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।